बोलो अंकल कुठली पाहिजे सांगा. कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम ओवर कम हियर फास्ट. हेलो दिस इज कॉम्प्लिमेंटरी. कम हियर दिस इज कॉम्प्लिमेंटरी. मैडम कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम मोर. ऐसी पे एक मीठा पूरी है. एक मीठा पूरी हो जाए. कम 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 हियर. कम हियर. कम हियर. कम कम कम. चलो आप ट्राई टू अगेन. आप एक ट्राई करो. कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम मोर. अपना नाम बता दीजिए. मनोज कुमार राधे श्याम गुप्ता. तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे. 1994 से आया हूँ. 1994 से. तो ये यहाँ पे बहुत ही फेमस है. इंग्लिश में यहाँ पे भीड़ लगाते हैं. जो भी कस्टमर आते हैं इंग्लिश में बात करते हैं. तो देख सकते हैं फटाफट भीड़ लगाई जा रही है सुपर फास्ट तरीके से. तो भैया कहाँ से सीखा आपने ये. मैं पिताजी से अपने सीखा. पिताजी से. पिताजी. तो कितना पढ़े हो आप. 9. 9 तक पढ़े हो. इंग्लिश कहाँ से सीखा आपने. इंग्लिश का ही पढ़ाई किया. इंग्लिश का ही पढ़ाई किया. इंग्लिश का ही पढ़ाई किया. नर्सरी से. शिक्षा सदन को धारा आजमगढ़. आजमगढ़ से. आजमगढ़. कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम मोर. बोला क्या बनाए. सूखा 30 गीला 35. बोला क्या बनाए. दी अंकल ए सिंगर रिलैक्स. ओके कम ऑन टेक इट फास्ट. दिस इज कुरमुरा. दिस इज पोटैटो. दिस इज ओनियन. दिस इज सेव. एकदम पराठेदारी की चोली आ रही है यहाँ पे. स्पाइसी मीडियम. भैया आपके लोग ज़्यादा यहाँ पे इंग्लिश पसंद करते हैं कि भेल ज़्यादा पसंद करते हैं. भेल तो है ही अपनी जगह पे. अच्छा. लेकिन इंग्लिश ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ दुनिया टेंशन में रहता है. यहाँ इंग्लिश सुनने के बाद दिल खुश हो जाता है. अच्छा. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं लोग तुम्हारा इंग्लिश सुनने के लिए पर्सनल मैं आता हूँ. तो पहली बार देख रहा हूँ भेल वाले इंग्लिश में बात कर रहे हैं और इंग्लिश में भेल बेच रहे हैं. हेलो मैडम जी कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम. बोलो मैडम कुठली पाहिजे सांगा. कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम मोर. कम हियर. इधर का भेल रहता भैया. 35. 35 हुए. गीला 35 सूखा 30 पंजाबी 45 और सूखा भेल 30 मावा भेल 40. कम ऑन टेक इट फास्ट. व्हाट विल हैव कम मोर. तो कैसे सोचा आपने यहाँ पे भेल का लगाने का. मेरा पिताजी का है. पिताजी दादा हमारे भाई सब लोग कई कई पीढ़ी यहाँ पे आके गए. तो अभी आप लगा रहे हो. कितने साल से लगा रहे हो. मैं मुझे हो गया करीब 28-30 साल हो गए. 28-30 साल हो गए. क्या क्या चीज़ें मिलती है यहाँ पे. सूखा बेले गीला बेले सेव पूरी है. दिस इज पंजाबी चाट. फेवरेट आइटम पंजाबी चाट. वो सिंग दाल कचौड़ी के बनाते हैं एकदम लहबारी. खाएंगे तो बहुत मजा आता है. मुंबई आए हैं. भेलपुरी ट्राई करना तो बनता ही है. तो आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ मुंबई के सबसे फेमस इंग्लिश भेल वाले पे. ये इंग्लिश बोल के यहाँ पे भेल सेल करते हैं और लोगों को बहुत ही एंटरटेन करते हैं. तो लोगों को इनकी भेल के साथ साथ इनका बोलने का अंदाज भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ही बेहतरीन भेल लगाते हैं. तो देखो ये इनकी भेल 35 रुपये की है. तो इसमें इन्होंने काफ़ी सारी देखो नमकीन डाली हुई है. वेजिटेबल्स डाली हुई है. चटनी डाली हुई है और काफ़ी अच्छे से भेल सर्व की है. तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं. तो इनकी भेल बहुत ही चटपटी बनी है. बहुत ही टेस्टी बनी है और 35 रुपये में बहुत ही बढ़िया भेल लगा के दी है. इन्होंने जो मुरमुरी डाली है आम डाला है नमकीन डाली है काफ़ी चीज़ें फ्रेश डाली है और जो स्वाद इसका बहुत ही चटपटा है. तो अगर आप भी मुंबई रहते हैं विजिट कर रहे हो और बढ़िया सी भेल खाना चाहते हो तो भेल के साथ साथ आप इनकी अंग्रेजी भी इंजॉय कर सकते हो. टाइमिंग 1 से 10. और बंद रहता है. मार्केट पूरा है. पीछे जो है कि अपना CST स्टेशन है और बाजू में जय कॉलेज आर्ट है. जय माँ संतोषी भेल सेंटर है. तो अगर आप भी मुंबई के CST में रहते हो या विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे आके इनकी भेल एक बार जरूर ट्राई कीजिए. बहुत बढ़िया है. तो अब इनकी भेल यहाँ पे मैं जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में.